गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JBR राइटर MS 27। आई एम फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र और अभी मैं हूँ राजस्थान के जैसलमेर से करीबन 150 किलोमीटर दूर, नहीं सॉरी ओनली 15 किलोमीटर दूर एक थार डेजर्ट करके है। वहाँ पे हमने एक कॉटेज बुक किया है, डेजर्ट बुक किया है सैम डेजर्ट करके, और वहाँ पे ये सब ये टेंट की फैसिलिटी वगैरह है, और बाद में फिर कैमल राइड और ये जिप्सी अभी आ गई है, जिप्सी की भी सफारी अभी हमको करवाएंगे यहाँ पे। तो अभी फिर अब बस चाय लेते हैं और निकलते हैं। आलू पराठा है और ये क्या है? दही। दही और ये पोहा। तो नाश्ते में आलू पराठा, दही, पोहा। रेगिस्तान में चलो राइड करेंगे। पहले आप देख लो डेजर्ट, पूरा डेजर्ट है, बहुत ही बढ़िया। देखो रस्सी जीप से बांधी हुई रस्सी है, और ये मेरा फ्रेंड है श्रेयस जो पैराग्लाइडिंग ऐसा लगा। ऑसम, बढ़िया, पटके हाथ में आ गई थी। मैं देखो कितने ऊंचाई पे हूँ अभी, क्योंकि मैं हूँ अभी इस रेगिस्तान के जहाज के ऊपर, ऊंट के ऊपर। ये है रिसॉर्ट, यहाँ पे हम रुके हैं। मी डायरेक्ट
गाइस अभी मैं ये कॉटेज रिसोर्ट है जो है छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारी अभी कैमल सफारी हो गई और जीप सफारी भी हो गई है, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, सर्विस भी अच्छी है, एक बार जरूर विजिट करिए। अभी हम आए हैं हेरिटेज दुम्बा रिसोर्ट से। एक्चुअल में हमने बुक किया था ये वाला रिसोर्ट टॉर्टोइज वाला, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा, यहाँ पे किया था कि ये कंस्ट्रक्शन है और यहाँ के जो ओनर है उन्होंने हमें दूसरे रिसोर्ट में शिफ्ट करवाया था, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्शन एरिया है इसीलिए, और हालांकि चालू है पर कंस्ट्रक्शन एरिया है इसीलिए हमको वहाँ पे शिफ्ट किया। यहाँ पे लाइन का भी प्रॉब्लम है, अभी जनरेटर वगैरह सब आने का है, वहाँ पे सब अवेलेबल था जनरेटर वगैरह इसके लिए, यहाँ पे इसीलिए, अदरवाइज़ हम यहीं पे स्टे करते थे। और बहुत बढ़िया सा ऐसा हेरिटेज ये है रिसोर्ट है, रिसोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, आने वाले कुछ महीनों में ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर और एड्रेस सेंड कर दूँगा। यहाँ पे डांस वगैरह होता है जो फोक डांस है, बता दी आपको। हर एक रूम में एसी लगा है, बहुत सुंदर ऐसा रूम्स है सेपरेट सेपरेट फैमिलीज के लिए, आप देख सकते हो, ये रूम में जाके देखेंगे। एक साथ में तीन लोग रह सकते हैं, कूलर लगा है और बालकनी, कूलर अगर नहीं रहा तो एसी लग रहता है, ये दो फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, बैठने के लिए बहुत बढ़िया है और क्लीन है, सबसे बेस्ट मस्त एरिया है। देखिए सेम यहाँ पे है, यहाँ पे कूलर नहीं है पर एसी की जगह जगह छोड़ी है, लेटरिन बाथरूम अटैच है, दो फैन है, एक रूम में तीन जने आराम से आ सकते हैं, बहुत बढ़िया सा ऐसा प्लेस है। बहुत बढ़िया से अभी पूरा बना लो, है ना? बिल्कुल एकदम नीट, चलो बढ़िया है। किती टिकट है पर पर्सन? बापा ठीक आहे, चांगला आहे दिसायला, ना दिसायला चांगला आहे पण 100 रुपये भरपूर जास्त आहे, लिहिलंही आहे तिथं भारतीय के लिए 100 रुपये। अभी हम आ गए हैं बड़ा बाग में, भी 100 रुपये है। यहाँ पे जितने भी राजा महाराजा उनकी सबकी समाधियाँ है जो ऐसे एक घूमट के इसमें बनाई हुई है। अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा अंदर जाके,
तो गाइज यहाँ पे जितने भी महाराज आए हैं हुए गए उनकी सबकी समाधि के तौर पे यहाँ पे ये ऐसी छतरिया जैसी गुम्बद जैसी बनाई है जिसको बड़ा बाग बोलते हैं यहाँ के लोग। नक्शीकाम डिज़ाइंस बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पे हमारी बाइक्स देखिए आप, कितना ठंडा लगता है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे ये इनकी समाधियाँ बनाई हैं और एक पब्लिक अट्रैक्शन भी है और हर एक समाधियों पे लिखा है ये किन की समाधि है। जितने भी राजा इस जैसलमेर में होके गए हैं उनकी सबकी समाधियाँ है इसमें। पे पहले दरवाजा था शायद टूट गया है, निकल गया है। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन, पहले की जो कलाकार लोग थे बहुत ही बढ़िया से डिज़ाइन करते थे और वैसे के वैसे आज तक है साबित। कुछ कुछ तो अभी हो गए हैं, टूट गए हैं, कुछ कुछ अभी साबित है बहुत। और यहाँ से एक ये नदी है जो पानी है अभी, बाकी तो सूख गई है, पर बहुत बढ़िया है।